गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने एन्यूप्लॉयडी को डील किया जो कि जीनोमिक म्यूटेशन का एक पार्ट था। आज हम जिस टॉपिक को डील करेंगे वो है जीन म्यूटेशन, और ये भी म्यूटेशन का ही थ्री टाइप्स में से एक टाइप है। और जीन म्यूटेशन के बारे में जब हम डील करेंगे तो हमारा इम्फेसिस होगा व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ जीनोमिक म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन आज हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि जीनोमिक म्यूटेशन में पॉलीप्लॉयडी और एन्यूप्लॉयडी हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन इज जीन म्यूटेशन इज द चेंज जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन which is caused due to the changes in the number which is caused due to the changes in the number type and arrangement of nucleotides। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन क्या है? जीन म्यूटेशन के कारण एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन में चेंज होता है। एंड व्हाट इज इट्स कॉज, व्हाई द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज चेंज? Due to changes in the number, types and arrangement of nucleotide. Okay, now gene mutation occurs due to change in the single nucleotide, due to change in the single nucleotide is called point mutation. तो जब जीन म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। नाउ जीन म्यूटेशन ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ग्रॉस म्यूटेशन। ठीक है, जब जीन म्यूटेशन एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड में होने के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस म्यूटेशन। एंड व्हेन इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द gene mutation occurs due to error in DNA replication and DNA replication and
ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड कॉपी एरर म्यूटेशन। ठीक है, जब जीन म्यूटेशन देखा गया कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में होता है, उसका कारण है एरर। कब होता है ये एरर? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एंड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, एंड दैट इज कॉल्ड कॉपी एरर म्यूटेशन। ओके, नाउ जो पॉइंट म्यूटेशन है, दैट इज ऑकरिंग इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पॉइंट म्यूटेशन मे ऑकर स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप होता है स्वतः, मे ऑकर स्पॉन्टेनियसली और इंड्यूस्ड का मतलब होता है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन एजेंट्स लाइक फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड म्यूटाजेंस। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट म्यूटेशन है ये या तो स्पॉन्टेनियसली होता है या तो इसको इंड्यूस यानी आर्टिफिशियली किया जाता है। जब ये आर्टिफिशियली होता है तो ये सर्टेन एजेंट्स के हेल्प से होता है, और वो एजेंट फिजिकल हो सकता है जैसे एक्सरे, बीटा रे, गामा रे, या केमिकल हो सकता है जैसे क्लोरोफॉर्म, सोडियम डाइऑक्साइड, इसको कहा जाता है म्यूटाजन। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन। अब स्पॉन्टेनियसली ये म्यूटेशन होता कैसे है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में बी डिफाइंड एज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सेलुलर ऑपरेशन और रैंडम इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, तब हम लोग आएंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मे बी डिफाइंड एज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में सीक्वेंस ऑफ डीएनए में चेंज होता है। क्यों? सीक्वेंस ऑफ डीएनए आइदर ड्यू टू नेचुरल सेलुलर ऑपरेशन, जो नेचुरल सेलुलर ऑपरेशन होता है बॉडी में, और रैंडम इंटरैक्शन, रैंडम इंटरैक्शन विथ द एनवायरमेंट, और रैंडम इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट। तो क्या होगा, ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। कब होता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए में चेंज? आइदर ड्यू टू नेचुरल सेलुलर ऑपरेशन, नेचुरल सेलुलर ऑपरेशन और रैंडम इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, और रैंडम इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन है ये किसी भी सेल में, सेल साइकिल में, किसी भी फेज में हो सकता है। म्यूटेशन ऑकर इन एनी सेल एट एनी स्टेट इन द सेल साइकिल। म्यूटेशन
ऑकर इन एनी सेल एट एनी स्टेट ऑफ द सेल साइकिल. म्यूटेशन ऑकर एट एनी सेल एट एनी स्टेट ऑफ द सेल साइकिल एंड दैट इज वाई म्यूटेशन ऑकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस मियोसिस म्यूटेशन ऑकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस माइटोसिस डिवीजन आर ग्रुप्ड इनटू आर ग्रुप्ड इनटू पहला है गैमेटिक म्यूटेशन दूसरा है जाइगोटिक म्यूटेशन एंड द थर्ड इज सोमाटिक म्यूटेशन. ठीक है अभी है क्या म्यूटेशन ऑकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ऑकर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड जाइगोटिक म्यूटेशन. म्यूटेशन ऑकर ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट के दौरान जब म्यूटेशन होता है दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक म्यूटेशन और जब म्यूटेशन किसी सोमाटिक सेल में होता है जिसको हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं जैसे कि रूट स्टेम और लीफ प्लांट में उसको कहते हैं सोमाटिक म्यूटेशन. ठीक है और कहा जाता है कि सर्टेन साइट्स इन अ जीन आर मोर ससेप्टेबल टू बी म्यूटेटेड देन अदर एंड दैट साइट्स आर कॉल्ड हॉटस्पॉट. ई फ्रीज नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था कि दैट सर्टेन साइट इन अ जीन आर मोर ससेप्टेबल टू बी म्यूटेटेड देन अदर And that is called hot spots. Okay? अब हम लोग पढ़ेंगे frame shift mutation. ठीक है तो what is frame shift mutation? Frame shift mutation. What is फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अ म्यूटेशन इन विच देयर इज अ डिलीशन और इंसर्शन. डिलीशन मतलब रिमूव करना इंसर्शन मतलब किसी को इनपुट करना. डिलीशन और इंसर्शन ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. एंड इन अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अ चेंज इन अमीनो एसिड ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नेचर ऑफ द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड इज ऑल्सो चेंज. तो अ म्यूटेशन इन विच देयर इज अ म्यूटेशन इन विच देयर इज अ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड. जब एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हो रहा है यानी रिमूव किया जा रहा है या इंसर्शन यानी इनपुट हो रहा है इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ये पहला हो गया. नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का रिजल्ट क्या होगा. रिजल्ट ये होगा दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन एमिनो एसिड. इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन एमिनो एसिड. तो जब एमिनो एसिड में चेंज होगा
तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अमीनो एसिड से बना हुआ है वो पहले जो प्रोटीन बना रहा था अब दूसरा प्रोटीन बनाएगा, एंड दस द प्रोटीन फॉर्म्ड एंड दस द प्रोटीन फॉर्म ऑल्सो चेंज्ड, और जो प्रोटीन बन रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, नॉर्मल है जी ए टी जी ए टी जी ए टी, ये नॉर्मल है ठीक है। सडनली जी ए टी यहां बना, यहां पे ए के जगह क्या हुआ जी टी जी हो गया ठीक है, यहां पे फिर बना जी ए और यहां पे ब्लैंक रह गया, तो एक जगह में डिलीशन हो रहा है और एक जगह में इंसर्शन हो रहा है यहां पे। तो ये जो इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण सबसे पहले एमिनो एसिड में चेंज हो रहा है, क्योंकि जब ये कोड चेंज हो रहा है कोडॉन, तो ये जो एमिनो एसिड को पहले बना रहा था अब बनाएगा दूसरे एमिनो एसिड को। जब एमिनो एसिड सिंथेसिस चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक प्रोटीन जो फॉर्म होगा वो भी चेंज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मिस सेंस म्यूटेशन क्या है ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक टाइप हो गया म्यूटेशन का। अब है व्हाट इज मिस सेंस, MISS मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज मिससेंस म्यूटेशन, इट इज अ सच टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इट इज अ सच टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मींस चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इन विच चेंज द मीनिंग ऑफ कोडॉन, विच चेंज द मीनिंग ऑफ कोडॉन बाय चेंजिंग वन एमिनो एसिड इंटू अनदर। इट इज सच type of mutation, it is such type of mutation which change the meaning, which change the meaning of codon by we change the meaning of codon by changing one amino acid into another, जो codon के meaning को change कर देता है by changing one amino acid into another। जैसे एग्जांपल देखो, एक कोडॉन है सी सी ए, ये सी सी ए किसको कोड कर रहा है, प्रोलीन को, एंड सडनली एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जा रहा है, सी इज कन्वर्टेड इनटू यू सी ए, और जैसे ही सी यू में कन्वर्ट हो रहा है एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ, तो क्या होगा वी चेंज द मीनिंग ऑफ कोडॉन। अब ये कोडॉन में सी जैसे यू में चेंज हुआ, प्रोलीन इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन, तो यहां पे एक एमिनो एसिड कोड कर रहा था, सी जैसे यू में कन्वर्ट हुआ चेंज हुआ इट कोड्स अनदर एमिनो एसिड, एंड दैट इज कॉल्ड मिससेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट है नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस
म्यूटेशन, ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन। हम लोग चैप्टर सिक्स में पढ़ेंगे किसी भी सिंथेसिस को, चाहे वो डीएनए का सिंथेसिस हो, आरएनए का हो या प्रोटीन का हो, एक सर्टेन टाइम के बाद वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब बंद हो जाता है, और उसका कारण है थ्री टर्मिनेटिंग कोडॉन, थ्री टर्मिनेटिंग कोडॉन। ये तीन टर्मिनेटिंग कोडॉन क्या क्या है, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए। तो बोला जाता है कि एनी म्यूटेशन रिजल्टिंग इन द ऑल्टरेशन ऑफ अ कोडॉन स्पेसिफाइंग अ एमिनो एसिड अर्लियर, नाउ ड्यू टू म्यूटेशन इट कोड्स अ टर्मिनेटिंग कोडॉन, दैट मींस इट डजंट सिंथेसाइज एमिनो एसिड और इट डजंट कोड एनी एमिनो एसिड। तो व्हाट इज नॉनसेंस म्यूटेशन? एनी म्यूटेशन, कोई भी म्यूटेशन, एनी म्यूटेशन रिजल्टिंग चेंज इन कोडॉन स्पेसिफाइंग एंड एमिनो एसिड इनटू अ टर्मिनेटिंग कोडॉन। इसको एग्जांपल से समझाते हैं, यूएसी, यू ए सी किसको कोड करता है, ये एमिनो एसिड को कोड करता है, टायरोसिन को, किसको कोड करता है, टायरोसिन को। अब जो म्यूटेशन हो रहा है इसके कारण यू ए तो एज इट इज रह रहा है, बट सी इज कन्वर्टेड इंटू जी, एंड व्हेन सी इज कन्वर्टेड इंटू जी इट कोड्स फॉर वन ऑफ द टर्मिनेटिंग कोडॉन। तीन में से एक टर्मिनेटिंग कोडॉन को ये कोड किया, तो अब यूएसी यूएजी जैसे ही हुआ, सी जैसे ही जी में म्यूटेटेड होकर कन्वर्ट हुआ, ये किसको कोड करने लगा, टर्मिनेटिंग कोडॉन। और टर्मिनेटिंग कोडॉन किसी भी एमिनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं करता है, बल्कि इट रिजल्ट्स इनटू द टर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, अनदर इज साइलेंट म्यूटेशन। तो एनी जीन म्यूटेशन विच डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, अगर म्यूटेशन हो रहा है लेकिन उसके कारण फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में जो कैरेक्टर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं वो ऑर्गेनिज्म में उस कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। तो यही म्यूटेशन है, दिज आर ऑल इंक्लूडेड इन जीन म्यूटेशन। दैट्स ऑल फॉर टूडे, थैंक यू।